1794th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, शो का नाम राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। महिला वो जो घर संभाले, महिला वो जो घर से बाहर आकर अपना काम संभाले, महिला वो जो घर की जिम्मेदारी के साथ जब समाज की जिम्मेदारी खुद कर ले तो रिकॉग्नाइज हमें करना जरूरी है, उसे फेलिसिटेट करना जरूरी है और उस सम्मान से हीरे जैसे जड़ना जरूरी है कि वो है विमेन ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ऑल द ईयर्स कमिंग। आई रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू मैम्पी रीयूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन, स्टाइलक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स, कांट फॉरगेट पूजा शेलकेज, लिव फिट एंड नागपुर का हॉस्पिटल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। मेरी आज की जो मेहमान है शी स्टार्टेड यू नो हर जर्नी ऑफ अ बेकर एज अ होम बेकर बट नाउ ओन्स अ ब्रांड ऑफ बेकिंग ऑफ स्वीटनिंग एंड मेकिंग पीपल्स लाइफ विद स्माइल। प्लीज वेलकम द ओनर द लेडी बिहाइंड द ब्रांड बटर ब्लॉसम, प्लीज वेलकम मिसेज रितु जायसवाल। हाय मैम, कैसी हैं? I'm good. Great. So it's an honor सबसे पहले for you know आपने अपना वक्त दे रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जर्नी है आपकी जहाँ पर आई यू अ प्राउड नागपुर कर ठीक है, तो थोड़ा यू नो वो रितु जायसवाल के बारे में बताइए क्योंकि आपका विवाह के बाद भी नाम आपका जायसवाल ही आपका सरनेम कंटिन्यू हुआ, तो शादी के पहले की रितु जायसवाल की कहानी क्या है? ओके, शादी की पहले की रितु जायसवाल की कहानी, आई वॉज वेरी नॉटी काइंड ऑफ अ चाइल्ड, पढ़ाई से हमेशा जो दूर भक्ति थी एंड मम्मा वॉज ऑलवेज लाइक कि पढ़ो एंड ये वो एंड घर का पूरा मैनेज करती थी, घर का भी बाहर का भी। पर डिजायर क्या था, बनना क्या था, करना क्या था? उस टाइम ऐसा माइंड में कुछ ऐसा था नहीं कि ऐसा कुछ बनना है दैट टाइम, तो बस जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना एंड बस इट वॉज फन डूइंग थिंग्स, एडवेंचर एक्टिविटीज एंड ऑल, स्विमिंग एंड ऑल दैट, स्पोर्ट्स में थी मैं एंड पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन, स्विमिंग कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल, तो उसमें भी आई स्टूड सेकेंड। टाइम के साथ नागपुर में बहुत बदलाव आया, नागपुर द सिटी हैज ग्रोन, बट व्हाट इज दैट वन थिंग जो अभी भी नागपुर में बड़ी नहीं हुई है या नागपुर में बदली नहीं है, वो क्या है? नागपुर में जो बदला नहीं है वो अपनापन, जो प्यार और फ्रेंड्स फैमिली सब वही है। लेकिन कोई एक चीज जो जो बदलनी चाहिए वो क्या बदलनी चाहिए? लोगों की सोच। जैसे कि फॉर फीमेल ही मैं बोलूंगी कि बहुत जगह आज भी जैसे मेल डोमिनेटिंग है माई सोसाइटी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल ने बाहर निकलना चाहिए, शी शुड बी इंडिपेंडेंट, कुछ काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपका ये जो पैशन था फूड के प्रति था या कुकिंग के प्रति था? कुकिंग के प्रति, फूड के प्रति तो नहीं, बिकॉज यू मेंटेन्ड योरसेल्फ, तो आई कैन से दैट फूड के प्रति बहुत ज्यादा होगा। आई एम फूडी। अच्छा, यू आर अ फूडी, ओके ओके। बट हम जिम एक्सरसाइज वगैरह ऐसे वैसे वैसे करके मेंटेन करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। सो ये घर में ही आपने बनाना शुरू किया? हाँ। और ये विवाह से पहले या विवाह के बाद? विवाह के पहले भी लाइक मुझे इंटरेस्ट था खाना बनाने में भी एंड रेगुलर खाना बनाने में कभी इंटरेस्ट नहीं था, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना और कुछ नया चीजें, कुछ भी नई चीजें बनाना, उसमें मुझे बहुत मजा आता था एंड घर में बहुत अप्रिशिएट करते थे सब जो भी मैं बनाती थी, तो उससे आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड। तो कब ऐसा लगा कि अब एक बेकर बनना चाहिए, अब एक ब्रांड बनाना चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे एंड मेरा बेटा बड़ा टेंथ से जब बाहर पुणे गया, देन आई थॉट कि जैसे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, अभी तक के जैसे आई वॉज पूरा फैमिली वुमन, पूरा फैमिली में टाइम पूरा मेरा जाता था, इसके बाद से देन आई थॉट कि अब अपने लिए भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए एंड फैमिली बच्चे सपने भी बहुत लाइक सपोर्ट सबका रहा ये चीज में एंड वही जैसे कुकिंग मेरा पैशन है, तो वो पैशन कब मेरा ये प्रोफेशन में चेंज हो गया
नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ा. लाइक वॉट एवर आई यूज टू एक्सपेरिमेंट तो मैं वो सबसे शेयर करती थी फ्रेंड्स एंड सब में. तो बहुत एप्रिसिएशन मिला मुझे वहीं से ऑर्डर्स आने लगे. एंड वही बिकॉज ऑफ द टेस्ट. पहला केक किसको बेचा था? मैंने बेचा नहीं था, गिफ्ट में दिया. गिफ्ट में दिया था. नहीं नहीं, पहले केक जिसकी बिलिंग हुई थी याद है? पहले केक जिसकी, वो तो बहुत साल हो गए तो अब याद रखना. ओके, लेकिन जब पहला पेमेंट आया, हाउ वाज द फीलिंग? दैट वाज वेरी नाइस. वो पेमेंट मैंने आज भी रखी मेरे लॉकर में बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट इनकम जो आई थी. तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी. और वो इंसान भी याद है जिन्होंने लिया था? इंसान याद है. अच्छा मुझे जो बताइए, बेकर्स को लेकर क्या चैलेंजेस हैं जो आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, इतने सारे लोग हैं, चैलेंजेस क्या होता है एज अ बेकर? एज अ बेकर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल मैं ये बोलूंगी कि चैलेंजेस डिपेंड आप क्या बेकर में भी, लाइक उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है. कोई सिर्फ केक में डील करता है, कोई दूसरे दूसरे वेराइटी में डील करते हैं. नॉट द थिंग इज व्हाट इज योर यूएसपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक पूरे मार्केट में जो यूज हो रहा है, अगर आप उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप वहीं पे जो चैलेंज जो है, यू आर ब्रेकिंग डाउन दैट थिंग. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप ऐसा डिफरेंट क्या कर सकते हैं मार्केट में जो आप डिफरेंट स्टैंड होते हो. एक समय पर आप जब केक घर पे बनाती थी तो एक छोटा सा माइक्रोवेव होगा जिसमें आप बनाती. आज यू हैव द बेस्ट मशीन्स इन द वर्ल्ड जिसमें जो आपके यूनिट में है. यू हैव अ कोल्ड यूनिट, यू हैव अ हॉट यूनिट, यू हैव अ सुपर हॉट यूनिट, यू हैव योर स्टूडियो. ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? बिकॉज अमूमन बेकर जो है वो बस अपना बनाते हैं अपने किचन का इस्तेमाल करके, लेकिन आपने अपने किचन को भी सी थ्रू बनाया. ऐसा प्लेटफॉर्म आपने जब बनाया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, अपेक्षा क्या थी, सोच क्या थी? सोच यही थी कि बस आगे बढ़ना है और कुछ कर दिखाना है लाइफ में. एक बेकर से यहाँ तक क्या आना, लाइक आपने जो बोले कि बहुत छोटी सी एक छोटा अवन से ही वो स्टोरी स्टार्ट हुई थी. एंड आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ तक के लैंड करूंगी. ये कभी नहीं सोची थी जो आज मैं लैंड की हूँ. एंड ये एक सपना ही था. Your husband has stood by you. Yes, like a rock. Yes, definitely. So, what are a few piece of advices you have got from him when it comes to working as a professional? He always supported me कि बिल्कुल रितु अपने dream को pursue करो, आगे बढ़ो, move ahead. And टेक्निकली पार्ट जो भी होता है, ही इज ऑलवेज देयर टू हैंडल थिंग्स. पूरा मेरा टेक्निकली जितनी भी मशीन्स एंड ऑल दैट, ही टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. एंड प्लस यहाँ तक के भी मैं जो आई हूँ, दैट इज यस बिकॉज ऑफ माय फैमिली. बट देन ये है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, और उसके ऊपर में जब आप मार्केट में जब उतरते हैं तो देखते हैं कि आपके देयर आर प्लेयर्स इन द मार्केट हु ऑफर केक्स और ऑल द बेकरी आइटम एट अ वेरी मिनिमल रेट. तो कॉस्ट को लेकर बहुत बड़ी फाइट है, इसको कैसे आप काउंटर करते हैं? पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं मार्केट से डिफरेंट हूँ बिकॉज वी आर यूजिंग बटर, वी आर यूजिंग प्योर चॉकलेट. तो हमारे लिए द थिंग इज कि क्वालिटी मैटर्स, कि आप क्या क्वालिटी सर्व कर रहे हैं विथ वेरी मिनिमम मार्जिन. राइट. सो मुझे ये लगता है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, तो आप ऐसे ही जीत जा रहे हो बिकॉज अल्टीमेटली खाने में टेस्ट ही होता है जो लोग आप तक के आते हैं. एंड रिपीट ऑर्डर्स जो भी होते हैं एंड कॉम्पिटिशन में आपको स्टैंड रहना है तो इज अ टेस्ट. तो टेस्ट जब भी आएगा जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं. सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. आप अपने इस यूनिट का नाम रितुज केक्स या कुछ और भी रख सकते थे. व्हाई बटर ब्लॉसम? बटर ब्लॉसम इसीलिए क्योंकि हर चीज हमारी, जैसे कुकीज फॉर एग्जाम्पल, हमारी हर कुकीज भी जो आज बेक होती है बनती है इट्स इन बटर. एंड जो भी हम यूज करते हैं सब चीजों में मोस्टली बटर जाता है. माइक्रोजा में, हमारे पफ में, हमारे कुकीज में, केक्स में. सो बटर इज द मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे ऑलमोस्ट सब इसमें जाता है.
So that's why butter. And it should blossom easily, butter blossom. A lot of corporates are giving you orders. You're getting a lot of bulk orders. ये स्ट्रेस आता है जब बल्क ऑर्डर आता है कितनी एक्साइटमेंट होती है एक्साइटमेंट होती है मैं यही बोलूंगी स्ट्रेस आता है क्योंकि ये तो हमारा पार्ट ऑफ बिजनेस है तो ये तो मजा आता है एंड बिजनेस में चैलेंज नहीं होता फिर मजा किस चीज का है चैलेंजेस होना चाहिए एंड जितना बड़ा ऑर्डर उतना मजा आता है काम करने में दैट इज ट्रू आजकल एक जमाना था जब केक केक होता था आजकल ग्लूटेन फ्री केक हो गए हैं शुगर फ्री केक हो गए हैं एगलेस केक हो गए हैं बहुत सारी वैरायटीज केक्स में भी हो गई है मैं फ्लेवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं टाइप ऑफ केक की भी बात कर रहा हूँ तो कैसा कितना इजी है टू मैनेज थिंग्स या टू केटर एवरीथिंग आई से इट्स इजी बिकॉज फाइनली यू शुड नो द बेस जो भी आप कर रहे हो राइट लाइक आप फॉर एग्जाम्पल टेक अ फ्रूट केक तो फ्रूट केक भी अगर आप बना रहे हो लाइक वी आर यूजिंग नो प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल तो जो भी आप चीजें बना रहे हो इट शुड बी सबसे पहले तो इट शुड बी प्योर एंड नो प्रिजर्वेटिव्स एंड जो चीज आपको मार्केट से अलग स्टैंड कर रही है ऑब्वियसली मैं तो इसी चीज पर ज्यादा फोकस करूंगी तो ये जब शुरुआती दौर में जब धीरे धीरे ऑर्डर आना शुरू हुए अभी तो यू नो देयर इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु कम टू यू ऑर्डर द केक्स एंड अदर बेकरी स्टाफ नया करते रहना पड़ता है अपग्रेड करते रहना पड़ता है अपडेट कैसे करती है अपने आप को अपडेट अपग्रेड अपग्रेड ऑब्वियसली क्रिएटिव वाइज हर चीज कुछ ना कुछ नया लाना मार्केट में दैट इज बहुत दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज आई मस्ट से बट वी हैव टू वर्क ऑन दैट लाइक हम मैगजीन्स पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं इस पे भी वी कीप ऑन स्टडिंग थिंग्स अपग्रेडिंग थिंग्स और इसी तरीके से हम चीजें नई लेके आते हैं मार्केट में ठीक है आपने रिसेंटली BNI भी ज्वाइन किया हाँ जी हु आर द पर्सन हु इंट्रोड्यूस यू टू BNI सचिन जैन एंड हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद BNI फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम जस्ट लविंग BNI वेरी नाइस प्लेटफॉर्म सभी ने ज्वाइन करना चाहिए मैं तो बिल्कुल बोलूंगी एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग इफ यू आर आस्किंग मी डेफिनेटली BNI इज वेरी नाइस And you are in the Andesite chapter, yes. the biggest chapter of BNI Nagpur. Yes. Yeah. So, कितना मजा आता है इतने सारे लोगों को Friday, right? Friday सुबह 7:30 मिलना जब पूरी दुनिया के बेकर्स सोए हुए हैं आप वहाँ पे बिजनेस कर रही हैं. It's full of excitement इतने लोगों से मिलना and अपने बिजनेस के बारे में बात करना because that is a platform which gives you the liberty to talk about your business. Right. So that's really fun. I really enjoy that. वक्त के साथ समाज में भी बहुत सारे बदलाव आए इन द सोसाइटी वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड द काइंड ऑफ पीपल यू नो यू मीट और यू यू नो योर टैली योर फ्रेंड्स विद हैव समवेयर ऑर द अदर आर एक्सपीरियंसिंग दिस व्हेन इट कम्स टू विमेन देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर जो शादी नहीं करना चाहती अपने करियर पे फोकस करना चाहती है कुछ बनना चाहती है दुनिया देखना चाहती है व्हाट्स योर थॉट अबाउट Now see, this is a personal thing what you have asked, yes. So definitely मैं तो बोलूंगी कि बिल्कुल अपनी लाइफ घूमना चाहिए सब चीजें करना चाहिए ओनली थिंग इज यू शुड बी डेडिकेटेड पैशनेट अबाउट वॉट यू वॉन्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है एंड लाइफ में बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं अगर आप यू आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली तो विद टाइम द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग Which is a very alarming situation of the society right now, in the society right now. What's your thought about it? क्या वजह आपको लगती है कि divorces बढ़ रहे हैं? I think divorces बढ़ने का तो सीधे हैं multiple reasons. But मैं ये advice दे सकती हूँ इसमें कि adjustment तो हर चीज में होता है. जी. तो उसमें भी adjustment होना चाहिए हर चीज में. And हर चीज में positive approach होना बहुत जरूरी है. तो life बहुत easy हो जाती है और solution अपने आप सामने आ जाते हैं. Your husband's name? Prajot. So, and it's been how many years you're married? 21 years. This January we'll complete 22 years. 22 years. So, 22 years ago, right? I'm sure Prajot sir might have, you know, learned a lot of things from you on an everyday basis. What did you learn from him?
मैंने उनसे क्या सीखा, लाइक मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लिस्ट बन जाएंगे अगर मैं बोलूंगी तो. सो बेसिकली प्रज्योत एक ऐसा है कि बंदा जिसे ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है, और मैं बहुत डरती थी उससे, पर ठीक है ना, बिकॉज ही उसका इंक्लिनेशन उसके तरफ है, सो नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग विथ हिम विद द फ्लो. एंड बहुत चीजें उससे भी सीखने लाइक व्हेन योर मटर्नल फैमिली व्हेन दे सी यू ग्रोइंग एज know a brand, as a baker, as a professional, as an individual, what is their thought about it? They're very proud of it, and they're very happy to see me. Obviously, ये मैं तो बोलूँगी कि this is मेरा like my sister, my maker and everything. सबका support है. Without their support, obviously, एक woman आके इतना खड़ा होना, इतना बोलना, इतना बड़ा unit रखना, definitely दोनों तरफ से support होता ही है. वो पांच लोग जिनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है. रितु जायसवाल's life is nothing without these five people. One can be family. Yes. Then you have to name. Obviously, always family. Family first. Yes. Yeah. So one is family. It's not family first because family. Actually, you have supported me. Right. So, अब कैमरे की तरफ दिखाइए. एक हो गया फैमिली. Yes. Yeah. Yes. हाँ. Second. So this is like now my family obviously Prajwal and my family are same. So I'm including one. One. Yeah. Yes. Two. Second. Friends. अच्छा वो आप फंसना नहीं चाहती वहाँ पे नाम लेके. ठीक है. Okay. Three. पहली बात मैं एक और चीज क्लियर करूंगी. फैमिली इज माय फैमिली इज अ वेरी बिग फैमिली. ओके. लाइक माय सिस्टर्स जो मैरिज जिनकी हो गई है, मेरे जी एंड ऑल सब आ गए, सभी फैमिली में आ गए. सब आ गए. यस. देन माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, देन ऑब्वियसली मैं जिनके अंडर सीखी हूँ. आई वेंट टू लेकॉर्डन, वहां पे जो शेफ से सीखी हूँ. आई वेंट टू लेबॉन, वहां जो शेफ से सीखी हूँ. तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट ये चीजों में. एंड देन यस, इवन द सोसाइटी नागपुर पीपल, आई विल ऑब्वियसली माय कस्टमर्स. या माय कस्टमर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट देम. अच्छा आप बाहर गई, बाहर आपने सीखा. हाँ जी. क्या कहीं मन में कभी था कि मैं आई एम स्पेंडिंग सो मच? इंडिविजुअली तो आप में बदलाव आ रहा था, लेकिन कहीं ये बात कहीं में छोटे से दिल के कोने में थी कि जो मैं सीख के जा रही हूँ वो उसका जो ग्रहण है, उसका जो एक्सेप्टेंस है वो किस तरह से होगा? विल देयर बी एक्सेप्टेंस? ऐसे थॉट्स तो बहुत आए थे कि मैं जो करने जा रही थी, जब मैं करने गई थी बहुत लोग बोले थे कि लाइक यू आर गोइंग टू लंडन, तो वहां की चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज एंड ऑल. ऐसे दिन सो के लेट्स गो, यही से सोच के मतलब नहीं है. जाओ देखो. सो आई वेंट देयर, आई डिड माय कोर्स पूरा, एंड मोस्टली चीजें वी लर्नड इन मेकिंग थिंग इन एग्स. नाउ यू वोंट बिलीव इट, 99% आई एम वर्किंग एगलेस, एंड आई लर्नड एवरीथिंग इन एग. नाउ आई एम वर्किंग इन एगलेस, एंड पूरा कन्वर्टेड माय एग रेसिपी टू एगलेस नाउ, एंड आई एम वर्किंग इन दैट. And that's even yum. Yes. And I'm really very happy and satisfied. But अगर विथ एग ऑर्डर आता है तो आप नहीं बनाती? हाँ जी. अगर विथ एग अगर बोला कस्टमर ने तो आप बनाती? We do things. You do things. Yes. Okay. We have different units उसके, because like अब जैसे गणेश था, even we do not have egg anything else. So see that is a ritual. Right. हम वो किसी का ब्रेक नहीं कर सकते. तो I as a woman मुझे लगता है कि नहीं, ये सबके अपने अपने चीजें होती है जिसे ब्रेक नहीं होना चाहिए. You should be very क्या बोलना चाहिए, एथिक्स वाली बात आ जाती है. तो वी टेक वेरी मच केयर ऑफ दैट कि अगर वो टेबल में अगर एगलेस बन रहा है तो वहां एग का कुछ भी नहीं आएगा. दैट इज द एकदम केयर टेकन बाय अस. इन हमारे दो यूनिट है, दूसरे यूनिट में एग वाला बनेगा और दूसरे यूनिट में एगलेस. अच्छा, तो वो भी आपने अलग अलग रखा? इन द सेम प्रिमाइसेस वी हैविंग इट बट डिफरेंट डिफरेंट. ओके. यस. मेरे आखिरी के दो तीन एक ये कि why should somebody come to Butter Blossom? Why Butter Blossom? Okay, so Butter Blossom इसलिए आना चाहिए आपने, अगर आपको हेल्दी खाना है. आप बोलेंगे डेजर्ट हेल्दी होते नहीं है जी, बट मैं बोलूंगी कि लाइक कॉमनली लोग जो
कुकीज बना रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, वो लोग मार्जरीन यूज करते हैं और हम बटर यूज करते हैं. मार्जरीन इज हार्ट रिस्क की, इट्स नॉट हेल्दी एंड बटर इज हेल्दी एंड वो कोई भी एज वाले सब खा सकते हैं. देन हमारे जितने भी केक्स एंड सब चीजें बनती है दैट इज मेड इन प्योर चॉकलेट. कॉमनली पीपल यूज कंपाउंड, अगेन कंपाउंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, अगेन हार्ट रिस्क की. एंड हमारा जो है दैट इज प्योर चॉकलेट, तो इट्स अगेन हेल्दी. तो दैट इज द रीजन आई विल से यस, प्लीज वेलकम, प्लीज आइए बटर क्रॉसन. मैं एक रेडियो जॉकी रहा हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक FM चैनल है और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है. तो एवरीबडी हैज वन सॉन्ग ऑफ लाइफ. सो कोई ऐसा गाना है आपके जीवन में जो आप किसी भी मूड में सुन सकते हैं? कोई ऐसा गाना है? ऐसा गाना वैसे तो मैं सही बताऊं तो मेरे एक नहीं बहुत सारे हैं जो मैं सुन सकते हैं. वेरी फ्लेक्सिबल विद इट. बट यू आर यू थिंक म्यूजिक इज अ हीलर? यस डेफिनेटली डेफिनेटली म्यूजिक इज अ हीलर. यस एंड अगर आप बोल रहे हो तो लाइक या मेरे आई एम वेरी फ्लेक्सिबल तो मैं एक गाने का नहीं बोल सकती. अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम टाइटल में लिखा गया ऋतु जायसवाल, उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात, कौन से ऐसी जज्बात लिखे रहने चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया मैंने, बट आई एम श्योर. बट मुझे ये लगता है कि ये मेरे मेरे तरफ से नहीं आना चाहिए क्योंकि कि मैं अपने लिए बोलूंगी. आपका कोट कोट ऑफ लाइफ क्या है? वन थॉट ऑफ लाइफ, एक चीज जो आपके जहन में हमेशा रहती है वो क्या है? दैट इज ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी. ऑनेस्ट रहिए और ह्यूमन रहिए. ह्यूमैनिटी एंड ऑनेस्टी ये सबसे मेरे लिए लाइक आप उसको फॉलो करते हैं? यस फॉर मी कर्म इज एवरीथिंग. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. वन डे मॉर्निंग आपके घर के दरवाजे की घंटी बजी, है ना, हाइपोथेटिकल है, बट देन घर के दरवाजे की घंटी बजी, आपने दरवाजा खोला और वहां पर आपने देखा कि जो भी ईश्वर को आप मानते हैं वो आपके सामने खड़े हैं. वन थिंग यू विल आस्क और प्रे और यू नो डिमांड टू दिस यू नो दिस हेवनली बॉडी फॉर पीपल ऑफ नागपुर, वो क्या होगा? फॉर पीपल ऑफ नागपुर अच्छे रूल्स मत भूलिएगा, काम चालू है. मैं ये बोलूंगी फॉर पीपल ऑफ नागपुर की नागपुरियन सीन, आई लव माय सिटी वेरी मच बिकॉज नागपुर बहुत सारी चीजें जो तो आपको मिली है वो नागपुर में मिली है. यस बहुत सारी चीजें जो आपको मिली है वो नागपुर में मिली, नागपुर में मिली है. नागपुर के लोग मुझे इतने अच्छे लगते हैं तो यस मैं हमेशा यही चाहूंगी कि नागपुर हमेशा प्रोग्रेस लेवल पे हेल्दी वेल्दी अच्छे से रहे और प्रॉस्परस रहे और आपके केक्स खाते रहे. बिल्कुल. मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू फॉर यू नो शेयरिंग योर एक्सक्लूसिव इनसाइट्स ऑफ लाइफ. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुपर. ऋतु जायसवाल हमारी वुमेन ऑफ द ईयर, जिनसे हमारी खास मुलाकात हुई, बात हुई. आप इस शो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके मन में ऋतु जायसवाल की कहानी कहीं ना कहीं एक जगह बनाती है. देखिए मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ कि जो हम सब एक मैराथन में नहीं एक रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि मैराथन में अगर दौड़ते होते तो हमें शायद ये फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन में किस लेवल पर हैं, किस लेवल की उन्नति कर रहे हैं, किस लेवल का विकास कर रहे हैं या किस लेवल की जिंदगी जी रहे हैं. लेकिन हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं. नंबर दो नंबर तीन पर कोई नहीं आना चाहता, एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम ऑन नंबर वन. लेकिन एक जो है ना उसकी एक फिलोसफी है, एक थॉट प्रोसेस है कि एक से जब एक मिलता है तो दो बन जाते हैं. ये गणित कहता है. एक और एक जब मिलते हैं 11 बन जाते हैं, ये संगठन का बल कहता है. एक और एक एक हो जाते हैं, जब मिलते हैं तब एक हो जाते हैं, ये इश्क प्रेम की फिलॉसफी कहती है.
लेकिन एक जब आकर 10, 100, 1,000,000 crore लोगों को इंस्पायर करता है तो उसकी जगह बहुत ऊपर होती है। अमूमन हम अपनी जिंदगी में उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं जो शायद जिन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया या जो किताबों का हिस्सा बनकर है। राज की बात की ये कोशिश है कि ऋतु जायसवाल जैसे विमेन ऑफ द ईयर, जैसी महिलाएं, जैसी प्रोफेशनल्स की जिंदगी की कहानी उन तक पहुंचे जो अपने आप को चार दीवारी में कैद करके रखे। मैं चार दीवारी जब मैं कह रहा हूं तो मैं कमरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन के कमरे की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने आप को कैद करके रखा है। कि क्या वो ऋतु जायसवाल जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं? क्या वो एक बड़ा लीप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं? क्या वो अपनी अपने पैशन को, अपनी कला को उस लेवल पर पहुंचाना चाहती हैं जो ऋतु जायसवाल ने किया? सोच बदलनी है तो शायद आपको ये एपिसोड दो बार देखना होगा ताकि आप वो बात समझें जो शायद आपको समझना जरूरी है। आपसे फिर होगी मुलाकात इंद्राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो केक कटिंग पे सबसे ज्यादा खुश होती है, कई बार छोटे छोटे केक्स बनाने की घर में कोशिश भी करती है और जब सफल होती है तो वो केक सबको खिलाकर खुद खाना भूल जाती है, तो समझिए वो ऋतु जायसवाल बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।